दिल्ली में हुई कोचिंग सेंटर में पानी भरने की घटना से कई छात्रों की जान चली गई, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है और एक सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। वहीं संबंधित कार्यकारी अभियंता ने स्पष्टीकरण मांगा है। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार का कहना है कि यह बहुत दुखद घटना है, हम उस इलाके में जितने भी अतिक्रमण हैं उन्हें तोड़ देंगे और वहां ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे। इस घटना में दूसरी कार्रवाई यह हुई है कि जितने भी बेसमेंट हैं वहां अवैध या कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमने दो तीन फ्रंट्स पे काम किया है जी। एक तो ये है कि वहां पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था जी। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमिक चीज है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं जी और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं जी, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है जी। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज के लिए है लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं।